हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुनील, डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फिर से हम यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स के फुल एनालिसिस करने वाले हैं। ये देखने की कोशिश रहेगी कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन हमें किस तरीके से बैंक निफ्टी में क्या अप्रोच रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम से आवर्ली टाइम फ्रेम से निफ्टी की शुरुआत करेंगे। तो आवर्ली टाइम फ्रेम पर ये चार्ट आप लोगों के साथ काफी दिनों से शेयर कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू, यहाँ पे ये प्राइस जो फंस रहा है ना, तो डाउनसाइड आने के लिए रेडी है ना अपसाइड जाने के लिए रेडी है। ये अपसाइड में हार्मोनिक का हाफ पैड पैटर्न 0.618 का लेवल है, जहां से प्राइस बार बार करेक्ट हो रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी प्राइस गैप अप ओपन हुआ, रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद से पूरा फॉल और फिर से कल के डे हाई के पास सपोर्ट लेके फिर से अपसाइड में ये निकलने के लिए ट्राई कर रहा है। तो बाइंग का इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा समझ लीजिए चीजों को। तो अभी के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है 19,850 और सपोर्ट क्या है 19,770 हमारे लिए सपोर्ट है। तो ये एरिया हमारे लिए नोड़ी है, जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। तो 4 times ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन टेस्ट हो चुकी है, 1, 2, 3, 4, 5। अब की बार ये ब्रेक करता है तो आप सेलिंग के लिए इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसको हम छोटे टाइम फ्रेम, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको आवर्ली टाइम फ्रेम से मिल जाता है। अब इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे वो समझ लेते हैं। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है निफ्टी का, और मान लीजिए निफ्टी कल के दिन फ्लैट ओपन होता है और इसी रेंज में ओपन होता है अपर साइड में 19,850 और डाउन साइड में 19,770। तो ऑलरेडी कितना पॉइंट की रेंज हो, 80 पॉइंट की रेंज हमें मिल जाती है। इस रेंज के अंदर कल अगर निफ्टी ओपन होता है तो बाइंग का लेवल आपका क्या है, 19,850 के ऊपर बाइंग आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन पहला हर्डल आपके पास 19,900 का होगा, जहां पे आपको अपना टारगेट बुक कर लेना चाहिए। अदरवाइज आपको प्राइस एक्शन देखना चाहिए कि 19,900 है मान लीजिए, ये प्राइस इसको ब्रेक किया 850 को 900 पे टकराया, फिर से रिवर्स आया और रिवर्स होने के बाद फिर इसको ब्रेक कर दिया, तो आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ प्राइस क्या हो कि 850 को ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस ऑफ प्राइस दोबारा फर्स्ट टाइम जाए, पुल बैक ले, दोबारा जाए और फिर से इस लो को ब्रेक कर देगा, तब वहां पे आप अपना ट्रेलिंग लेके बाहर हो जाइएगा, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट की रेजिस्टेंस होने वाला। होप आप यहां तक चीजें क्लियर समझ चुके होंगे। तो बहुत बड़ी रेंज है, अगर 25-30 पॉइंट ऊपर खुलता है या नीचे खुलता है तो रेंज में ही ओपन होगा। अगर 100 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तब उस सिनेरियो में आपको फिर बिल्कुल भी 30 मिनट की रेंज को फॉलो करना चाहिए और बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 30 मिनट की रेंज का हाई ब्रेक होता है, जैसे यहाँ पे ये 30 मिनट की कैंडल का लो है, ये 30 मिनट का हाई है, लो ब्रेक हुआ, आपको एक सिंगल ट्रेड मिला। वैसे ही सेम जगह पे आप जहां कहीं भी इसको अप्लाई करेंगे, ये 30 मिनट की कैंडल का हाई है, ब्रेक हुआ, एक ट्रेड मिला। तो 30 मिनट की कैंडल का हाई और लो, 30 मिनट की रेंज का हाई लो मार करिएगा, उस हिसाब से आप प्ले करिएगा। तो सेलिंग के लिए आपका कौन सा लेवल है, 19,770 के नीचे सेल करेंगे, 19,850 के ऊपर बाय करेंगे, लेकिन फ्लैट ओपन होना चाहिए, कोई गैप अप और गैप डाउन, माइनर सा गैप अप गैप डाउन चलेगा, लेकिन बड़ा गैप अप गैप डाउन में आपको फिर 30 मिनट की रेंज को फॉलो करना चाहिए। होप आपको निफ्टी के एनालिसिस क्लियर हो चुकी हो। तो चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आवर्ली व्यू लेके आते हैं, आवर्ली व्यू देख लीजिए किस तरीके का है। मार्केट बहुत ज़्यादा नॉइजी है, इसमें ट्रेडेबल बिल्कुल ऑप्शन बायर के लिए बिल्कुल भी बैंक निफ्टी में रूम नहीं है। निफ्टी तो थोड़ा बहुत रहम कर दे रही है बायर के ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी बिल्कुल भी बायर के लिए रहम करने के लिए रेडी नहीं है। ना ये प्राइस रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, ना ये प्राइस सपोर्ट के पास आ रहा है। तो उस हिसाब से व्यू बनाया जाता है कि मान लीजिए प्राइस रेजिस्टेंस पे जाए और कुछ इस तरीके से रिवर्सल दे तो हम इसको सेल करें, सपोर्ट पे आए कुछ इस तरीके से रिवर्सल दे तो हम बाय करें। ये आवर्ली स्ट्रक्चर है। रेजिस्टेंस क्या है 44,750 और डाउन साइड में सपोर्ट क्या है 44,150। ये बड़ी रेंज मिल जाती है 600 पॉइंट की, तो इसमें ट्रेड थोड़ा सा प्लान करना टफ हो जाता है। या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्राइस आए तब प्लान किया जाता है, लेकिन जब आवर्ली व्यू ही इतना बड़ा है तो मार्केट में ट्रेड प्लान करना उतना ईजी नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो आ जाते हैं बैंक निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे, और यहाँ पे देखेंगे तो एक ही सिंगल ट्रेड इसमें प्लान हुआ है, बाकी बाइंग साइड में आपको बाइंग के लिए इनवाइट किया, एसएल भी हिट नहीं किया। पहले चीजों को समझने की कोशिश करिए, ये हाई ब्रेक हुआ, आपने बाइंग किया, बायर ने बाय किया, क्या देखे डब्ल्यू पैटर्न देख के बाइंग हुई, बाइंग होने के बाद इमीडिएट उनका एसएल लिया, लेकिन सेलर्स का कहीं पे एसएल हिट नहीं हुआ, एक ही ट्रेड मिला जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और रिटेस्ट पे यहां से शॉर्ट किया गया, तो एक सिंगल ट्रेड है। अब इसमें प्लान किस तरीके से किया जा सकता है बैंक निफ्टी में वो समझ लीजिए। प्राइस स्ट्रक्चर क्या है, लो हाई लो और एक लोअर हाई इस तरीके का। कल मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाए या गैप डाउन ओपन हो जाए, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाए तब सिनेरियो अच्छा रहेगा कि फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो जाए। उस सिनेरियो में अगर सपोर्ट से बाइंग आता है तो आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा। ये लेवल ब्रेक होता है तो 44,460 के ऊपर आप बाइंग प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 44,543, सेकंड टारगेट 44,590, इससे ज्यादा आप बिल्कुल प्लान मत करिएगा। इसके ऊपर ब्रेक करता है तो आपको पता है कि फिर 44,700
और 44,750 तक ये टारगेट हो जाएंगे। यहां तक चीजें समझ में आई। तो ये क्या है, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, ये क्या है, रीटेस्ट। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद इस लो को ब्रेक कर दे, यहां से बॉटम ना बनाए, इस लो को ब्रेक करे, तो 44,330 के नीचे आप डेफिनेटली इसको सेल कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 44,240, सेकंड टारगेट 44,160, दो टारगेट और थर्ड टारगेट आपका हो जाएगा साइकोलॉजिकल लेवल 44,000। होप आपको चीजें समझ आ चुकी होंगी। तो बाइंग के लिए ये लेवल है, लेकिन कंडीशन कुछ इस तरीके की है कि इसको इस तरीके से ब्रेक करना चाहिए। अदरवाइज आप यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक में कभी भी बाय मत करिए, और फिर फर्स्ट मान लीजिए मार्केट ये बाइंग सिनेरियो में, फर्स्ट पुल बैक में आप कभी सेल मत करिए, फर्स्ट पुल बैक में आप कभी बाइंग मत करिए। ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए। तो वेट करिएगा जिस हिसाब से सिनेरियो होता है, अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करता है आप सेल करिएगा, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करता है तो आप बाय करिएगा। तो दो पैटर्न बनने के बहुत अच्छा चांसेस है यहाँ पे, एक डब्ल्यू और एक एबीसीडी, एक एबीसीडी। तो इस तरीके से आप चीजों को प्लान कर सकते हैं। कोई किसी भी सिनेरियो के अंदर अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो मार्केट चांसेस आप एरिया है कि रेंज में जाने का, तो सिनेरियो में आप 30 मिनट की रेंज को फॉलो करिएगा। ये मेरी गुरु जी की बताई हुई स्ट्रेटजी है, तो उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। बहुत अच्छा वर्क करती है, अगर आपको ट्रेड मिलेगा तो अच्छा मिलेगा, नहीं तो फिर वहाँ पे मार्केट साइड भेजी रहती है। वो आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो वीडियो में अभी तक बने हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।